सब फांसी जाल में लगाए। सो गाइस गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी बढ़िया होंगे। होगा गाइस, तो आज बहुत दिनों का बाद में रूपम भाई के साथ में मिल रहा हूँ, तो आप लोग बने रहे। तो रूपम भाई को क्या चीज़ देने वाला है, तो जाते हैं अभी दे के आते। तो एक्स्ट्रा से मैं आप लोग को कहता हूँ हैप्पी हैप्पी दशहरा आप सभी को। स्वागत है मेरा तरफ से आप सभी को। पापा ने ना मोबाइल नहीं ले गया था, उसी लिए नीचे तो दिखा नहीं दिखाई पाया अभी। हाँ, और एक ठो को बिक्री कर देगा ना, इसको बिक्री करना पड़ेगा। हाँ, रोज रोज हम लोग तो मछली खा रहे हैं ना। ये देखिए गाइस, लेकिन इसको खाना था। हाँ, इसको लेकिन खाना था, लेकिन इतना बड़ा है ना, ऐसा ऐसा चलता है ना। हाँ, पूरा जाल लेके नेट मोबाइल लेके जाने से पूरा देखना था। हाँ, लेकिन मोबाइल लेके नहीं गया। और अंजू पूरा पानी लेके आ रहे, रख दी। हाँ, तो गाइस यहाँ पर रूपम भाई का ये मछली, ये देखिए। अब ये ले जाएगा ना पापा लेने के लिए। जल्दी करो, अंकुल आके बैठा है, बैठ रहो ना। इधर उधर काम करो, मेरे बैटरी पूरा अभी 17% है, वीडियो भी पब्लिक नहीं हुआ, अभी जाके पूरा पब्लिक करना पड़ेगा। तो जाते हैं अभी। तो गाइस बहुत दिनों का बाद में रूपम भाई का साथ में और मिल रहा है समीर भाई। और रूपम भाई का कैसा खबर? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। और क्या बोलता है, इतना दिन का बाद समीर भाई से मिला है, एंड देन सरप्राइज, इतना बड़ा मजा आ रहा है। पूरा बढ़िया से खाइए, और आपको इसको रखता हूँ पहले। एकदम हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी दुर्गा पूजा, कांग्रेचुलेशन दुर्गा पूजा कराने, ठीक है ना। अभी गाइस यहाँ पर देखिए, मम्मी ने पूरा साफ कर दिया था, और बड़ौने अभी काट रहा है पूरा मछली, पुछुर तो फैलाऊ ना। तो यहाँ पर देखिए गाइस, मैंने लहसुन को साफा करके हाथ में ले लिया, अभी इसको मैं कूटूंगी उखली पर। तो यहाँ पर देखिए पूरा, ये तो पूरा काट के रख चुका है, तो अभी काट लीजिए ना, मैं चिली लोग कूट लूंगी। बढ़िया से बनाना है इसका। हेलो गाइस, मुखबरी खाइस ने। हेलो गाइस, मुखबरी खाइस, मजा ले काम काम। कांचे मासा खानो आटे क्या। तो गाइस चलते हैं अभी घर से, ओ किचन पर। अभी मैं चिल्ली को कूटूंगी ये लहसुन को डाल के। तो अभी गाइस यहाँ पर देखिए, पूरा धीरे धीरे से आग जल रहा है, और यहाँ पर देखिए मसाला है, और यहाँ पर सरसों भी है गाइस, मसाला में मिक्स था ज़्यादा। ये सरसों हो गया, लेकिन भी बहुत ही अच्छा होता है ना ये सरसों। और अभी इसको पीसेगा गाइस। यहाँ पर देखिए सिलोटो भी रेडी कर चुका है। अभी गाइस इसको पीसना पड़ेगा, और ये ढाल के सब्जी बनाना चाहिए, और अच्छा होगा ना, इतना टेस्टी होता है ना गाइस। यही मसाला है, लोकल मसाला गाइस। देखिए पूरा पीस रहे मम्मी सिलौटों पर, धनिया मसाला सरसों, सरसों को घूट के ना गाइस ऐसे ढालने से बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर देखिए गाइस पूरा मसाला हल्दी सब दे दिया मछली पर गाइस। देखिए इतना अच्छा लग रहा है। अभी इसको भी यहीं पर ढाल के मिक्स करेगा, तो इसको यहाँ पर डाल के मिक्स करेगा। और यहाँ पर देखिएगा इतना ज़्यादा प्याज कट के रख दिए, और यहाँ पर देखिए मैंने चिल्ली को कूट के रख दिया, चिल्ली और लहसुन अदुआ अदरक भी डाल दिए। और यहाँ पर देखिएगा ये आउट है ना, चटनी जैसा लग रहा है। और खुदे को सब पे यो मिक्स कर, पूरा छोटा छोटा पीस कर दिया, तो काट कूटेरा कूटेरा डूटू बना का। और ऐसा करने से बहुत ही अच्छा था, बड़ा बड़ा पीस काटने से ना अच्छे नहीं रहते। और यहाँ पर कढ़ाई, अभी कढ़ाई को भी बिठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरा पीस के भी रेडी हो चुका है ना, करते करते अभी यहाँ पर ढालेगा। देखिए गाइस इतना अच्छा होगा ना, ये अभी पूरा खाने में बहुत टेस्टी होता है। लोकल मसाला पूरा ढाल दिया गाइस, ये ढालना पड़ता है ना। आउटिंग आउटिंग कम दी भाई ना, होता है ना, ठीक है। आउटिंग को भी ढाल दिया गाइस, देखिए। और चिल्ली भी ढाल दूंगी मैं, चिल्ली पिछले हाथ पोल अभी यहाँ पर थोड़ा सा तेल तेल ढाल देगा, अभी नमक में लाऊंगी। तो अभी गाइस यहाँ पर देखिए नमक भी लगा दिया, जाने नमक भी ढाल दिया। अभी पूरा हाथों से ही मिक्स कर रहे हैं मम्मी, देखिए गाइस पूरा अच्छा से मिक्स करना पड़ता है। और पूरा मसाला लोग ना मीट का अंदर अंदर में घुसना चाहिए, और अच्छा होगा, मतलब तभी टेस्टी हो पाएगा। तो चिल्ली को जो अभी नहीं डाले, क्योंकि यहाँ पर अभी ढालने से पूरा हाथ लोग जलेगा ना मिक्स करने का टाइम में। तो अभी कढ़ाई को बिठाना पड़ेगा, चिमटा तातो से ना थी बोल अलि तातो से कर दिन तो बिठा दीजिए। तो अभी पूरा आग जलाने पर ये पूरा फट चुका है गाइस। आज मैंने लिपाई किया है चूल्हा का, उस दिन को भी लिपाई किया था, लेकिन फिर से एक बार लिपाई करना है। ये जो फर्स्ट एक बार करने से ना पूरा फट जाता है, अभी भी किया था, तो ये पूरा आग का मतलब गर्म से पूरा ये फट जाता है, थोड़ा बाद में और करना पड़ेगा। आज पूरा घर का सफाई हो चुका है, और भी है सफाई करने के लिए, और आग जलाना पड़ेगा अभी। बसाई दिन अब
पूरा अभी जल रहे हैं धीरे धीरे से। देखिएगा अच्छे से बिठाना पड़ेगा। देखिएगा इस बिठा दिया कराई को और उधर ने पूरा मिक्स कर दिया मम्मी ने। अभी यहाँ पर तेल डालना है गाइस। तो अभी यहाँ पर देखिए पूरा कराई भी गर्म हो चुका है, अभी तेल डालना पड़ेगा। तो ये देखिएगा लोकल रिफाइन खत्म हो चुका है। वही तो लोकल रिफाइन मतलब कि सरसों का तेल रिफाइन तेल का बोतल में डालते हैं और लोकल रिफाइन हो चुका है ना, ये खत्म हो गया। हम लोग ने सरसों तो पीस के रखा है क्योंकि दुर्गा पूजा के लिए चाहिए ना खसी का मीट, क्या क्या बनाने के लिए पोर का मीट, तो उसी के लिए हम लोग ने पीस के लाया था, यहाँ पर डाला था। अभी ये खत्म हो चुका है, फिर से गिलान से भरा के लाना पड़ेगा भरती। तो देखिएगा सब आग जल रही है धीरे धीरे से और यहाँ पर तो पूरा मिक्स हो चुका है। प्याज को भी लगाऊंगी मैं, प्याज को मैं लगाऊंगी ना लगा। ये प्याज गाइस लेकिन अभी तेल गर्म नहीं हुआ है, तेल गर्म होना चाहिए। ये फीच फीच है ना, ये सब सूखने पर प्याज गर्म होने साथ साथ तेल गर्म होने साथ साथ मैं प्याज लगाइदिन्छु। तो अभी गाइस यहाँ पर देखिए मैंने एक प्याज को छोटा टुकड़ा कर ट्राई किया था गर्म हुआ है कि नहीं हुआ बोल के, तो अभी डालना पड़ेगा। गर्म हो चुका है पूरे दिन तक। और ये सानों से नहीं वो चम्मच छोटा हो गया, अब बड़ा वाला चम्मच चलाना पड़ेगा। तो अभी मैं चलाऊँगी इसको बड़ा वाला चम्मच से गाइस। खुर्सानी लगा दी मैं, ये अदरक खुर्सानी पूरा सब लहसुन भी मिक्स किया था और यहाँ पर कूट के रख दिया था ना मैंने, तो उसी को ढाल दिया। अभी हल्दी नहीं ढाल गना पीछे अलग अलग लगन भाई चम्ची लगाइदा हो मछा में लगा हल्दी भग प्याज पाए थे। एक तो अभी आग को थोड़ा और देना पड़ेगा तेजी से तब ये फटाफट से पकेगा। तो गाइस यहाँ पर देख ही सकते हो पूरा मैंने आग को भी तेज कर दिया है, पूरा प्लाईवुड को लगा के बम्बू का भाटा लगा के गाइस। और यहाँ पर देखिए पूरा ये अभी पूरा पक चुका है, अभी ढाल दीजिए मम्मी यहाँ भी पूरा पक चुका है। हाँ हाँ पूरा पके एक बार चलाई दी आग उठ्दै आग उठ्दै आगले कम गर्नु पर्छ फेरि यसो तानिनु पर्छ त्यो तानिनु पर्छ अब चाहिँ भयो अब चाहिँ ढाल्दिनु चल चलाम म यहाँ पर देखिए पूरा ढाल रहे मम्मी। मैं चलाऊंगी गाइस, डर भी लगता है मुझे तो। चला दी मम्मी चला रही है गाइस, देखिए आपको देना पड़ेगा। देखिएगा इतना खुशबू इतना टेस्टी आ रहा है, अभी से इतना टेस्टी खुशबू दे रहे थे, बहुत ही टेस्टी होगा मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इतना मसाला पीन के लगा दिया ना, बहुत ही टेस्टी होगा पूरा खाने परफेक्ट होगा। अभी इसको ढक्कन लगाना पड़ेगा, ज़्यादा चलाने फिर बुरा हो जाएगा। तो अभी गाइस हम लोग फ्रेश अप भी हो चुका है, नहा के भी आ चुका है और मोटू को भी नहा दिया है नहला दिया है और मम्मी रोहित मैंने सब ने नहाया है और पापा तो वीडियो अपलोड करने गया है, अभी आए नहीं। मैंने कॉल करके पूछा है कि आके खा लेगा तुम लोग खाओ, बोला है तो हम लोग खा रहे गाइस, खाना एकदम टेस्टी हुआ है। तो अभी मैं दिखाऊँगी कौन कौन खा रहे गाइस। तो मैं तो खा रही हूँ गाइस, अभी यहाँ पर देखिए रोहित खा रहा है और इधर मम्मी खा रहा है, तो मैं यहाँ पर खा रही हूँ गाइस। देखिए पूरा इतना अच्छा, देखिए गाइस मैंने खा लिया, इतना टेस्टी है ना क्या ही बताऊँ गाइस, पूछो ही मत, इतना टेस्टी हुआ है। देखिए मछली मम्मी ने बनाया इतना टेस्टी हुआ है ना गाइस, और मम्मी इधर में खा रहा है, कांची भी आ गया अंदर में खेदा इसको और वो खा रहा है। कैसा लगा है? एकदम टेस्टी, पूछो मत, इतना टेस्टी हुआ ना, बहुत टेस्टी लगा मम्मी को, मम्मी ने बनाया ना एकदम टेस्टी हुआ है गाइस, और बहुत तीखा है, मुझे मैं तो तीखा खा ही नहीं सकता। देखिए ना ये मछली खा रहा हूँ, झोल तो इतना टेस्टी है ना गाइस, इतना टेस्टी हुआ है ना पूछे मत। मैं तो ऐसा रोज रोज ऐसा सब्जी मिलने से पूरा खाना खा पाता, इतना ज़्यादा खाना खा दूंगा मैं तो, लेकिन बहुत ज़्यादा चिल्ली डाले, मैंने चिल्ली कूट दिया था
इतना तीखा को बोल के सोचा नहीं था, लेकिन पूरा तीखा लग रहा है मुझे, पूरा मिर्ची ज़्यादा हो गया। तीखा नहीं लग रहा है आप लोगों को? खाया था नहीं, मुझे बहुत तीखा लग रहा है, बहुत तीखा लग रहा है गाइस। तो चलो खाना खा लेते। तो गाइस फाइनली अभी रूपम भाई को मच्छी देखे भी आ चुका हूँ, और आते आते वहाँ पर लाव का विजन था, वहाँ से लेके आए। और मोटू को क्या हुआ? बैठो बैठो बैठो, कुछ नहीं लाया तो झूला को रख देंगे, और फिर ब्रेकफास्ट खाना पड़ेगा, तो उसके बाद में तो फिर काम पर लगना पड़ेगा। और उन लोग ब्लॉग बना रहा है अभी, और अंजू और उसका दीदी का मोबाइल से, तो उसी का यहाँ पर लेके ट्रांसपोर्ट करके उसको ब्लॉग देना पड़ेगा जल्दी जल्दी। आज में भी दो, एक ब्लॉग तो दे दिया और एक ब्लॉग देना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर पूरा रेडी हो चुका है मेरा, ये देखिए, और यहाँ पर भी है माछी, और अभी खाना पड़ेगा ब्रेकफास्ट। तो पानी खा लेते पहले, खा लेते नहीं पी लेते, तो खाना पड़ेगा गाइस। और रूपम भाई को भी एक पीस दे दिया बिग पीस, और हम लोग छोटा छोटा दो पीस, दो ठूरा खा था, तीन ठू मिला था। डेली डेली माछा खुवाई हुँदैछ, बेलुका पनि खाइयो हो। तो गाइस थोड़ा ब्रेकफास्ट करके भी थोड़ा रेस्ट किया, अभी जाना है दौरा छिन्न जाने ही गाइस, कुठार कुलारी बंजर लेर हिड़ने को। अब डोको लेकर आँच रोहित को मम्मी और अंजू, चल रोहित तुम कैमरा मैन ना, तो डोको लेकर आँच मम्मी। तो अभी गाइस हम लोग लकड़ी फाड़ने का जगह में पहुंच चुका है, रोहित में पापा, और पापा तो आते ही पूरा स्टार्ट कर चुका है। ये देखिए पूरा पापा तो पूरा ये लकड़ी को फाड़ के खत्म कर देगा, बोला ये पूरा एक ठू ही टुकड़ा है। कल पर हम लोग ने एक टुकड़ा जो चीर के ले गया था, ओ भाई साहब खत्म कर दिया समीर भैया का तरीका से ना। हाँ हम लोग इधर में आज तो पूरा बारिश दे रहा है, धीरे धीरे से दुर्गा पूजा में तो दशैं में तो ये पानी ले पार कर सिमसिमे पानी ले। और ये टोकरी राख्नु पर्यो, यो दाउराले मासु पकाएर खानुपर्छ। दसैँ जस्तो चिज कहिले आउँछ है गाइस मासु खाने, त्यही भएर अब आजदेखि स्टार्ट गर्नुपर्छ मासु खानु चाहिँ। बिहान माछा खाएँ, अब बेलुकादेखि मासु खानु थाल्नुपर्छ। अहिले त मासु कतै काट्दैन पनि, कतै काटेको पनि छैन। यो दाउरा एकैचोटि चिरेर सक्नु अनि मात्रै जम्मा पार्छु, होइन होइन अहिले दाउले बन्चेर लाग्छ। अनि यता हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइस तपाईँहरूले, पुरा जोतेको छ हाम्रो बारी चाहिँ, खत्तम जोतेर ऊ त घर छ, पलाइट सुकाएको छ, सबै हाम्रो चाहिँ जोत्यो है ट्र्याक्टरले, सबै जोत्यो। यहाँ चाहिँ फापर छरेको छ, उता चाहिँ मकै छरे, सबै जोतेर खत्तम पारे नि, सबै जोतेर खत्तम पारेको छ। अनि यहाँ दाउरा छिरिँदैछ अब दसैँको लागि, आउँछ है रोहित यसको उफ्रेर, यो चाहिँ भन्छ हामीले हात्ती पहिले, यसको गाछी चाहिँ यहीँ छ। यो पहिला बर्खा मासमा के बर्खा मासको झरीमा यो माथिबाट सुकेको चाहिँ झरेको कुण्डै ठुलो, अनि यसकै हामीले दाउरा बनाइरहेको छु अहिले। एकदम राम्रो जल्छ, मालो सेलरोटी बनाउनु एकदम राम्रो हुन्छ नि। अब म चाहिँ भारी लगाउने गाइस, डोको राम्रो राख्नु छ, रोहित क्यामेरामेन हो नि। पुरा अन्जुले यहाँ पुरा उठाउँदैछ यहाँ चाहिँ, अनि ऊ लिएर जान्छ अन्जु चाहिँ, अनि बाबा चाहिँ यहाँ पुरा चिर्दैछ दाउरालाई। साइकल लिएर आउनुपर्छ क्या हो, बस्तामा ढालेर उठाएर लिएर जानुपर्छ। राम्ररीले जल्छ नि, एकदम हिटले जल्छ यो वाला चाहिँ दाउरा, त्यही कारण नि आज चिर्नु आएको छु नि हाम्रोकै बारीमा। अझै गुस्सा नि
जगह यो ये आसोरी आगड़ा स्ट्रंग है ना फिर लता जगह पर काम लगा देने से तो अंजू गिर जाएगा पापा नहीं गिरेगा स्ट्रांग है बोल बोल के देखिएगा इतना ज्यादा ढाल गया हां अंजू स्ट्रांग है मम्मी को भेज दूंगा नहीं तुमको आना पड़ेगा किसी ने कुछ ना बुक्की का बोल हां फिनिश हो जाएगा और अंजू को पूरा उठा दे रहा है पापा नाम ठीक है जय अंजू चे ना अब जा देसा जाओ हां अनि उवा घर मा छिन छ यहां बाबा ले छिन पूरा टुकरा वर देसे यहां बडा एला छिन साइकिल मा उठा रे ले जाउनु पर्छ नि ए बोकेर ले जाउ ने अनि यहां पनि चिर्नु छ अझै ई यहां छिन पूरा चिर देसा एला बीज बडा टुकरा गर्ने अनि अंजू चाहिँ अंजू चाहिँ दाउरा पुर्याउन गयो छ भाज्दैन यो स्ट्रङ छ नि खतरा तगडा छ नि नै भाज्दैन फिर काट्न पडेगा और पिस नै हां पिसिङ गर्दैगा पापा हेरा पुरा काट रहे यहाँ पर टुट जाएगा क्या ये तो बहुत टैंड है ना पूरा ये तो पूरा बड़ा सा गच्ची है ना अरे नहीं टूटता है तू पापा वो अंबर से मारना पड़ी क्या करे ओ चेना ओ पापा इसको टूटा के खेपिंग बनाया ना ऐसा मार के हाँ छिनो ये रहा वाह पापा ने टूटा दिया ए टूट गया ये रहा टूट जा ये रहा हटो 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 ये रहा वो हाँ यहाँ पर और काटना पड़ेगा यहाँ से ऐसा मारिए ना ऐसा करके हाँ फिर लागे हम पीछे जाना पड़ेगा ना अच्छा ये रहा इधर कभी नहीं बैठना है उधर से आके इधर लाएगी और अंजू जो उधर आ रहे पूरा अरे ये तो ढीला है ना थोड़ा सूख गया है ये रहा चिर चिर के ये फिनिश कर देगा ना आज को दसे और तिवर का लिए पूरा चाहिए ना हाँ क्योंकि सेल रोटी लोग बनाएगा ना हम लोग इसीलिए मैं साइड पर आना पड़ेगा ये रहा और अंजू बोलते बोलते आ चुके हैं वहां पर हाँ बहुत अच्छा होता है ये वाला जलाने के लिए हाँ आग फटक से लग जाता है ना पकड़ लेता है ये जल्दी और अंजू यहाँ पर आ गया अभी अंजू को फिर से भुकाना पड़ेगा अभी तो नहीं हुआ थोड़ा ही सा है मैं अभी पहुंच चुकी हूँ यहाँ पर लकड़ी लेने के लिए और पापा जो पूरा खत्म करने वाला हो चुका है पूरा थोड़ा ही सा है तो अभी डोको को यहीं पर रख लेते भारी लगने पर चाह फिर रोहित डोकला धानु नहीं यहाँ से चीर सकने आटे से चलो अभी मैं लगाऊंगी यहाँ फिर से अंजू पूरा टोकरी पर ढाल रहे हैं लकड़ी को ये ले जाना पड़ेगा ना हाँ एक टिप तो पहुंचा दिया मैंने हाँ पर बहुत भारी था वो तो भीगा भीगा था ना थोड़ा हाँ और इधर पापा पू हाँ फाड़ रहा है ये रहा इतना बड़ा फाड़ दिया ये रहा हाँ लकड़ी क्या सुंदर उससे भी पापा सुंदर है हाँ अभी ये चिर चिर के बॉडी बना देगा ना पापा जिम जाने का जरूरत नहीं गाँव में ये रहा और एक तो वहां पर पूरा इतना बड़ा हाँ ये रहा गांठी डिस्टर्ब हो देता है ना उसी लिए अंजू वहां पर मत बैठो फिर लागेगा फिनिश होने वाला हो गया देख ही सकते पूरा यहाँ पर अंजू ने थुपार दिया ये रहा लकड़ी
और अंजू लोग आ रहे हैं। यहाँ पर देख ही सकते हैं, पूरा रख दिया और घर का अंदर रखना पड़ेगा। वो रहा, अंजू आ रहे हैं, देख ही सकते हैं। आओ आओ। और यहाँ पर सफाई कर रहा है, देख ही सकते हैं। इधर इधर तो सफाई हो चुका है। आओ, देख ही सकते। और पापा आ रहे, इतना मूड़ा लेके वहीं पर रख दीजिए, अभी उसको ही फिनिश करना पड़ेगा। ये रहा अंजू, गिरा दिया। हाँ हो गया, गिरा के अब इसको अंदर ले जाना पड़ेगा ना, रख देना पड़ेगा इसका चांका नीचे, उधर का चांका। सभी पूरा पापा मछली लेके आ रहा है, बड़ा बड़ा। ये रहा, या सब फांसी जाल में लगाए। हाँ हाँ, डांग से उठाया ना। और ये हाँ, बिक्री। हाँ, एक ठुई खाना पड़ेगा, इतना ज्यादा आएगा, इसको बिक्री कर देगा। हाँ, ये बड़ा है ना, बिक्विस उसके बुलाना पड़ेगा। हाँ, रूपम भाई को कॉल लगाना पड़ेगा। हाँ, आएगा होगा। हाँ, ले हाँ, काफी दिनों का बात। हाँ, आज का नदी का खाली कर देगा ना आज तो, नदी का मछली। जब भी हम फिशिंग कर रहे ना, फिनिश। हाँ, और इसको बिना देरी करके रखना पड़ेगा। ये रहा, ये देखिए, ये रहा, बड़ा बड़ा माछी। हाँ, रख दीजिए। तो गाइस, सुबह उठाए तो सुबह उठ के मैंने नेट देखने गया था, नेट टू लगा के आया था, वो भी वीडियो नहीं किया। और सुबह जाते समय मोबाइल भी लेके नहीं गया, क्योंकि मोबाइल का चार्ज बहुत कम था। तो बहुत दिन का बाद में और मछली मिला है, और बड़ा वाला तो रूपम भाई को दे दिया। और रूपम भाई को मिल के बहुत दिन का बाद में बहुत अच्छा लगा। और पूजा वाले भी बुलाया, फिर भी जाना पड़ेगा इन्विटेशन देने के लिए, रूपम भाई को, बिटुल भाई को, पम्पम भाई को। तो गाइस, और हम लोग छोटा छोटा रखा, हम लोग का फैमिली में पूरा कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छा लगा गाइस मछली खाने में। तो वीडियो भी अभी दो दो ब्लॉक देने पड़ेगा, अभी ये ब्लॉक को यहीं पर एंड कर देते हैं और दूसरा ब्लॉक स्टार्ट करना पड़ेगा गाइस। और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो को अच्छा लगा, तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर देना। लव यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग के साथ।